नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं, लेकिन आज के विशेषांक को प्रारंभ करने से पहले आज हनुमान चालीसा की एक बहुत ही अद्भुत पंक्ति, एक बहुत ही अद्भुत जो हनुमान चालीसा का एक व्याख्यान है, वह आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री हनुमान जी ही तो स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचने के द्वार की सुरक्षा करते हैं, और उनके आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी कि हम जब भी श्री राम जी की भक्ति चाहते हैं तो उससे पहले हमें हनुमान जी तक पहुंचना परम आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी का जो दरबार है, जो श्री राम जी के चरण स्पर्श करने की जो आशा रखते हैं, उनको पहले हनुमान जी का, श्री हनुमान जी का प्रसाद प्राप्त करना परम आवश्यक है। और यही आज के विशेषांक की जो मुख्य बिंदु है वह है। तो आइए आपको बिना देर के वे लेकर चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक में आज पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा विषय होने वाला है श्री कैंची धाम के विषय में। तो कैंची धाम के विषय में जितने भी दर्शक आज हमारे इस विशेषांक को देख रहे हैं, अवश्य ही उन्होंने श्री कैंची धाम में शीश नवाया होगा महाराज जी को। और जो भी नए दर्शक हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि श्री कैंची धाम में एक बार अवश्य जाइए और अपनी किस्मत के सभी द्वारों को आप स्वयं खोलिए। आज के विशेषांक में जिन भी भक्तों ने, जिन भी दर्शकों ने श्री कैंची धाम में शीश नवाया है, महाराज जी का दर्शन किया है, उस दर्शन के चलते ही आपको एक बहुत ही अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं कि श्री कैंची धाम में एक ऐसा रहस्यमय स्थान भी है जहां पर यदि आप पहुंच जाते हैं, यदि आपको वहां के दर्शन हो जाते हैं, तो आपके हाथ में है कि अपने खोए हुए भाग्य को जमा जो अपनी किस्मत के लिए, अपने भाग्य के लिए निरंतर कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, हमें सद्बुद्धि नहीं आती, हमें जीवन में मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो अवश्य ही आप सभी को श्री कैंची धाम जाना चाहिए। और रहस्यमय स्थान तो हम आपको बता ही रहे हैं, वह रहस्यमय स्थान कौन सा है। जैसे ही आप श्री कैंची धाम में प्रवेश करते हैं तो महाराज जी का विग्रह, जो सबसे ज़्यादा अभिलाषी रहते हैं जन, कि महाराज जी के दर्शन श्री कैंची धाम में हो जाए। जैसे ही आप महाराज जी के विग्रह के दर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर एक तो आपको वहाँ समय बिताना बहुत आवश्यक है। जब आप महाराज जी के समक्ष श्री विग्रह के दर्शन करते हैं तो महाराज जी आपको स्वयं विराजमान दिखते हैं, आधा आपका सारा कार्य वहीं पर संपूर्ण हो जाता है। वह कार्य क्या है, जिस हेतु आप श्री कैंची धाम में जा रहे हैं, आपने महाराज जी के समक्ष अर्जी दे दी, तो बस समझ लीजिए कि अब जीवन में वारे न्यारे होना तय है। लेकिन इसके साथ साथ भी जो रहस्यमय स्थान है वह है महाराज जी की कुटी। जी हाँ, महाराज जी की वह रहस्यमय कुटी जिसमें आपने प्रवेश पा लिया, तो आप वहां पर जाकर महाराज जी का एक तखत विराजमान है, जो कि आप समझ लीजिए कि महाराज जी की इतनी अद्भुत शैया है वह, कि वहां पर यदि आपको बैठने का, जी हाँ, महाराज जी की कुटी में यदि बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो कुछ क्षण आप वहां पर जाके स्वयं को मौन रखिए और फिर देखिए जो चमत्कार आपके, जो अनुभव आपको वहां पर होगा, वह अनुभव आपके लिए तर्क विहीन है, शब्द विहीन हो जाएंगे, बिल्कुल आपके पास शब्द नहीं होंगे। ऐसा अनुभव, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि ऐसा अनुभव, ऐसा अद्भुत अनुभव अब तक अपने जीवन में आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसी परम शांति, ऐसा परम सुख और ऐसे परम धाम के दर्शन जब आप कुटी में जाएंगे तो आपको प्राप्त होंगे। अब वहां पर होगा क्या, वहां पर रहस्यमय क्या है, रहस्यमय यह है कि जैसे ही आप कुटी के अंदर प्रवेश करते हैं, निश्चित तौर पर आपको पहला अनुभव होगा कि वहां पर आपको जो परम शांति मिलेगी उस कुटी में, प्रवेश करते ही आपको लगेगा कि यहां पर ऐसा गर्भ स्थान है, ऐसा
परम शक्ति धाम है महाराज जी की कुटी में प्रवेश करना। आप अंदर जैसे ही अपना पहला कदम रखेंगे, अंदर का जो वातावरण है, अंदर की जो अद्भुत शक्ति है, वह आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगी। और दूसरा, आप जब प्रवेश करें तो आप ये निश्चित करिए कि आपको वहां पे कुछ क्षण मौन होकर बैठना है महाराज जी के तख्त के ठीक सामने। जैसे ही आप वहां पर बैठते हैं तो आप उसके बाद अपनी आंखें मूंद लीजिए और कुछ समय मौन होकर, एक यदि ध्यान लगाना चाहें तो ध्यान लगा सकते हैं, जिनको ध्यान नहीं लगाना आता वे निश्चित अपनी आंखें मूंद कर वहां पर बैठ जाइए और कुछ क्षणों के लिए स्वयं को मौन कर दीजिए। जैसे ही आप ये छोटा सा अभ्यास करते हैं, आप पाते हैं कि ऐसी परम शांति आपको उन कुछ क्षणों में, आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे सालों की परम शांति आपको प्राप्त हो गई हो। आपको वो सालों की परम शांति जब वहां से प्राप्त हो जाएगी तो आप यह तय कर पाएंगे कि जीवन का जो सार है, यह अनुभव होंगे आपको। मैं आपको इस बात को रेखांकित करते हुए कहता हूं कि यह अनुभव होगा आपको कि वाकई में जीवन में परम शांति इसे ही कहते हैं। इतनी अद्भुत रहस्यमयी महाराज जी की जो कुटी है वहां पर, और अनुभव क्या होगा महाराज जी के तखत के यदि आप दर्शन करते हैं तो आपको जो परम शांति का अनुभव होगा, उसके साथ साथ आपको यह आभास भी होगा कि महाराज जी वहां पर अभी अभी विराजमान हैं, या आपको लगेगा कि महाराज जी वहीं तो बैठे हैं। ये अंदर से आपको आभास होगा, आपका अंतर्मन इस बात को आपको सत्य मानने लगेगा कि महाराज जी के समक्ष तो आप बैठे हुए हैं। लेकिन जो वहां पर एक अपने संज्ञान में रखने वाली बात है वह यह है कि जो परम शांति, जो मार्गदर्शन, जो आपको वहां से शक्तियां प्राप्त होंगी, वो उस कुटी में एक अद्भुत रहस्यमयी शक्ति है। निश्चित तौर पर जिन भी जनों को यह अनुभव करना है, जिनको महाराज जी के ये आभास प्राप्त करने हैं, निश्चित तौर पर कैंची धाम जाइए, महाराज जी के विग्रह के दर्शन करिए और कुटी में आप कुछ क्षण बिता के आइए। कुछ क्षण ही बहुत हैं, बहुत हैं। आप मेरी बात को, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कुछ क्षण ही बहुत हैं। अगर आपने कुछ क्षण वहाँ पर व्यतीत कर लिए तो सोच लीजिएगा जो अनुभव वहाँ से प्राप्त होगा, जीवन भर नहीं भूल सकते, जीवन भर यह अनुभव आप नहीं भूल सकते। तो इसीलिए मैं आपसे ये बात इसीलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रथम बार जब मैं कैंची धाम गया था तो मेरा यह अनुभव है, इसीलिए अपने अनुभव से आज का विशेषांक मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी से कहा नहीं, किसी से सुना नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यह बात मैं आपको शत प्रतिशत कहना चाहता हूं, आप कैंची धाम जाएं, एक बार जरूर कुटी में प्रवेश करके महाराज जी का आभास प्राप्त करके आइए, उसके बाद मुझे आप प्रतिक्रियाएं दीजिएगा कि ऐसा अनुभव हुआ या नहीं। तो यह था कैंची धाम का सबसे रहस्यमय स्थान। वैसे तो कैंची धाम अपने आप में ही सभी रहस्यों को समेटे हुए, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मुझे आभास जहाँ से प्राप्त हुआ, मुझे जहाँ से कैंची धाम से जो प्रीति हुई है वह महाराज जी की कुटी से प्राप्त हुई है, इसीलिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा किया था। यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको कुछ अद्भुत जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। तो ऐसे ही विशेषांक के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।